मधेपुरा जिले के ग्रामीण इलाकों में सीआरपीएफ की 3 बटालियन द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप स्थानीय निवासियों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहे हैं। सैकड़ों लोग घंटों कतारों में खड़े होकर फ्री दवाओं और मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने सीआरपीएफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी में ये शिविर हमारे लिए जरूरी मेडिकल सुविधा का एकमात्र सहारा है। मोहम्मद अनवर, एक स्थानीय निवासी, ने कहा, थोड़े से दांत दर्द के लिए भी हमें बांदीपुरा जासूपुर जाना पड़ता था। हम सीआरपीएफ का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में ये कैंप आयोजित किए। पिछले 2 महीनों में सीआरपीएफ ने जिले के विभिन्न हिस्सों में 7 फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिसमें हजारों लोगों को फ्री इलाज और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। केनोसा गांव के निवासी अब्दुल अवाब ने इन शिविरों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, इन सुविधाओं को हमारे दरवाजे तक लाकर अब हम बिना किसी खर्च के पेशेवर डॉक्टरों से फ्री दवाएं और मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। सीआरपीएफ के कमांडर महेंद्र कुमार ने क्षेत्र के गरीब निवासियों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले दिनों में जिले में और भी फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे। थोड़ा पीछे कर। इसको रात को एक खाना खाने के बाद ये 10 दिन के बाद ये जमा सर खाना खाने के बाद मेडिकल कैंप की बहुत जरूरत है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में यहाँ से बहुत से कैंप किए आर्मी ने किए हैं और लोकल डॉक्टर यहाँ हमारी आयुष्मान भारत संत है उन्होंने भी यहाँ किया है, लेकिन हमें काफ़ी खुशी हुई है जब सीआरपीएफ बटालियन ने यहाँ हमारे गांव में कैंप किया है। तो जब मैंने ये सुना है तो मुझे काफ़ी मसरत हुई, क्योंकि इस कैंप से आवाम को राहत पहुँचती है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, जो भी कोई हो, बीमार हो, वो यहाँ आ सकते हैं और दवा ले सकते हैं। लेकिन देखो, कोई इसी वक्त होता है कि कोई बीमार पड़ता है, उसको बेचारे किराया भी नहीं होता है वहाँ जाने की, यहाँ अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर नहीं मिलता। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है। यहाँ हमारे साहिबान भी आए हैं, सीओ साहब भी आए हैं, एजर साहब भी आया है, और सब यहाँ लोग आए हैं। आज काफ़ी मसरत है कि यहाँ दवा ले रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, आराम से लोग आ रहे हैं। और मैंने भी सुबह अनाउंसमेंट किया यहाँ 1-2 जगह पर कि आप यहाँ आओ पंचायत घर में, और हमें आइंदा भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे, चाहे 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, और हमारे गांव में ऐसा कैंप हो जाएगा जिससे हमें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बस देखिए, आज हमारा ये 7वां कैंप है यहाँ पर बांदीपुरा के अंदर में। 3rd बटालियन के द्वारा 10 मेडिकल कैंप करने का आयोजन करने का हमें मिला है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी रिमोट एरियाज़ है वहाँ जाकर ज़रूरतमंद लोगों पर मेडिसिन वगैरह और ये फ्री मेडिसिन और जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी फ्री परामर्श प्रोवाइड कर सकें। आप रिस्पांस देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पिछले मैं 2-3 कैंप्स में देख रहा हूँ, काफ़ी मात्रा में पब्लिक यहाँ आ रही है, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, जो कि ये मेडिसिन और परामर्श का लाभ उठा पा रहे हैं। मैंने अभी पाया है यहाँ पर, जैसे अभी शुरुआत में 2-3 जगह पे देखा, डायबिटिक भी देखे हैं मैंने, कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले भी देखे हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स देखे हैं जिनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो महिला डॉक्टर्स वगैरह बताएंगे कि और किस प्रकार की बीमारियाँ हैं। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी प्रकार की जो मेडिसिन है वो यहाँ पर ला के प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में हम यह भी करते हैं कि मददगार के माध्यम से अगर किसी को रेगुलर मेडिसिन चाहिए होती है कि जो 3 महीना 6 महीना, उनको भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं मददगार की तरफ से।